ये क्या उचित है सदन में कि आसन तक नजदीक आप आ जाए, आसन के ऊपर तक चल जाए? संसद में 19 दिसंबर को भी वही हुआ जो 18 दिसंबर को हुआ था। पहले विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, फिर सदन की कार्यवाही चले, इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ने एक्शन लिया। श्री प्रमोद तिवारी, श्री जयराम रमेश, श्री अमी याज्निक। लोकसभा अध्यक्ष ने 49 विपक्षी सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया, यानी संसद के शीतकालीन सत्र में अब तक लोकसभा और राज्यसभा के 141 सदस्य निलंबित हो चुके हैं। सबसे पहले 14 दिसंबर को लोकसभा के 13 और राज्यसभा के एक सांसद को निलंबित किया गया। 18 दिसंबर को लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 सांसदों को निलंबित किया गया। 19 दिसंबर को लोकसभा के 49 सांसदों को निलंबित किया गया। कुल मिलाकर 95 लोकसभा और 46 राज्यसभा सांसद अब तक निलंबित हो चुके हैं। विपक्षी सांसदों के खिलाफ इस एक्शन को लेकर विपक्ष सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रहा है। इस देश में पुलिस राज बनाने की जो नींव रखी जा रही है कि बगैर विपक्ष के आप ऐसे विधेयक पास करने जा रहे हैं जिससे सारे मानव अधिकारों का हनन होगा, तो सुनते ही नहीं है जी। तो फिर करें क्या वहाँ बैठ के, हम लोगों के मसले उठाएं, लोगों की बात करें, होता नहीं है। इससे बेहतर है घर जाएं। इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी कि नाप दंड क्या है, क्या सोचकर आप नाप रहे हैं कि इनको डिसमिस करना है इनको नहीं। सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्षी गठबंधन ने 22 दिसंबर को देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। वहीं आज सोनिया गांधी की मौजूदगी में सुबह 9:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी। बैठक में सांसदों के निलंबन पर चर्चा होगी। विपक्ष संसद की सुरक्षा में सेंध वाले मुद्दे पर सदन में गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है, इसे लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। 141 सांसदों के निलंबन के बाद लोकसभा में विपक्ष के 102 और राज्यसभा में विपक्ष के 94 सांसद बचे हैं। विपक्ष सांसदों पर हुई इस कार्रवाई के खिलाफ विपक्षी नेता सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। निलंबित सांसदों ने सदन भवन परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्ष निलंबन की इस कार्रवाई को एक तरफा बता रहा है। जिस तरीके से लोगों को, संसद सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है, उसके बाद लगता ही नहीं है कि इसके विपक्ष का कोई औचित्य रह गया इनके दिमाग में। इतने ऊंचे पैमाने पर आजाद भारत में कभी सांसदों का निष्कासन नहीं हुआ, ये तानाशाही से भरा हुआ फैसला। अब ये किस मुंह से लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे जब विपक्ष को इस तरीके से बाहर कर देंगे? ये शुरुआत है अपनी मन मानी चीजें करने की। विपक्ष संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में गृह मंत्री का जवाब चाहता है। सरकार ने अब तक अपनी तरफ से इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर बीजेपी ये जरूर कह रही है कि संसद में हंगामा करने वालों पर एक्शन सही है। और ये कोई लोकतंत्र को, मतलब लोकतंत्र के खिलाफ ये निर्णय नहीं है, लोकतंत्र को मजबूत करने वाला निर्णय है। लोकतंत्र का मतलब है कि चर्चा करो। हाउस में आपको लोगों ने चुनकर दे दिया है, हाउस में आपने चर्चा करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट रूल्स करना चाहिए काम, वो नहीं करते हैं तो निकाल सस्पेंड किया, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, सही है। इस हंगामे और एक्शन के बीच राज्यसभा में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज बिल 2023 पास हो गया। वहीं लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता पर चर्चा हुई। इन तीन बिलों पर आज गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में जवाब दे सकते हैं। Thank you.